नमस्कार, मैं अर्जुन देवा से स्वागत करता हूं आपका सौर्य स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए एक ऐसे गुमनाम वीर की शौर्य गाथा जिसने सिर्फ 6 घंटों के अंदर पाकिस्तानी सेना के सामने 8,000 लैंडमाइन बिछा दी थी। वो भारतीय सैनिक जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का हीरो था, लेकिन अफसोस की बात आज उसे कोई जानता नहीं। यहाँ तक कि उनके सर्विस में भी ये बात कई मेंशन नहीं की है कि उन्होंने 1965 के युद्ध में करीब 8,000 लैंडमाइन बिछाई थी, लेकिन उन्होंने आज तक को इंटरव्यू देते हुए ये बात बताई थी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसी तरह की शौर्य गाथा सुनने के लिए आप शौर्य स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्टन जयंत सरंजमे के बारे में, जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में करीब 5 घंटे में 8,000 लैंडमाइन बिछा करके दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट करवाया और अपनी चौकी को भी सुरक्षित किया। तो आइए जानते हैं इस गुमनाम हीरो के बारे में, इसने ये काम कैसे किया और इनको क्यों करना पड़ा। बात है 15 सितंबर 1965 सुबह की, जब कर्नल प्रेम कुमार जो कि 8वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी बटालियन को पीछे हटने का फैसला लिया था क्योंकि उनके पास कोई भी आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। और एक दिन पहले उन चेनाब नदी के पास उनके करीब 900 में से 300 सैनिक पाकिस्तान के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उनके मन में अब भी वो यादें ताजा थी और इसलिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया था क्योंकि उनके पास कोई भी आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था, उनके पास सिर्फ राइफल थी और उनके पास यहाँ तक कि कोई भी एंटी टैंक माइन या एंटी टैंक हथियार भी नहीं था। लेकिन कर्नल प्रेम कुमार के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर ए.के. लूथरा इस बात पर राजी नहीं थे कि कर्नल प्रेम कुमार अपने बटालियन के साथ पीछे हटे। वो चाहते थे कि कर्नल प्रेम कुमार अपनी बटालियन के साथ आगे बढ़े और कालरवादा पोस्ट पर वो फिर से कब्जा करे जो उन्होंने कल वापस खो दी थी, पाकिस्तान के हाथों में आ गई थी, इसलिए वहाँ पर कब्जा करने के लिए वापस भेजा। लेकिन कर्नल प्रेम कुमार ने कहा कि अगर उन्हें अब वापस जाना है तो उन्हें अपनी बटालियन के आगे लैंडमाइन चाहिए ताकि दुश्मन के जो टैंक है उनसे बचा जा सके। इस पर ब्रिगेडियर लूथरा ने कहा कि आपके पास 6 घंटे हैं, 6 घंटों में आप लैंडमाइन बिछा दें। और इन सब का काम का जिम्मा सौंपा गया लेफ्टिनेंट, उस समय जो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट जयंत सरंजमे को। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर ए.के. लूथरा ने कैप्टन जयंत को 8,000 लैंडमाइन देते हुए कहा कि आपके पास सिर्फ 6 घंटे का टाइम है, 6 घंटे के अंदर अंदर आपको ये 8,000 लैंडमाइन अपनी बटालियन के सामने वहाँ पे एक्टिव करनी है। इस पर कैप्टन जयंत सरंजमे ने कहा कि यस, ये हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस काम के लिए अतिरिक्त जवानों की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने 8वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल से कुछ जवान मांगे और कर्नल प्रेम कुमार ने उन्हें अतिरिक्त जवान भी दिए, जिससे उन्होंने खुदाई की और करीब 5 घंटों के अंदर 8,000 लैंडमाइन एक्टिव कर दी और वो भी दुश्मन के सामने। कैप्टन जयंत ने यह काम बखूबी किया और दुश्मन की पोस्ट से करीब 1500 मीटर दूर तक उन्होंने लैंडमाइन बिछा दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुश्मन के एरिया में जा कर के 1500 मीटर उनसे दूर लैंडमाइन बिछाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जयंत ने ये काम करके दिखाया और उन्होंने ब्रिगेडियर द्वारा दिए गए टाइम से आधा घंटा पहले सारी लैंडमाइन बिछा दी और अपनी पोस्ट पर वापस आ गए। लेफ्टिनेंट जयंत ने न सिर्फ जमीन पर लैंडमाइन बिछा दी बल्कि सड़कों पर भी लैंडमाइन बिछा दी और उनके ऊपर सूखी घास की पत्तियां डाल दी और जिससे दुश्मन के कई टैंक तबाह हो गए थे। अपने इस काम के लिए 1967 में इन्हें गैलेंट्री मेडल, सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी सेवा में या सर्विस रिकॉर्ड में कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं की है कि उन्होंने 1965 के युद्ध में करीब 8,000 लैंडमाइन 5.5 घंटे में बिछाई थी। इस महान देशभक्त और महान इंडियन आर्मी ऑफिसर को मेरी तरफ से सैल्यूट। और आप भी इसी तरह की गाथाएं सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा ऐसी गाथाएं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होए और अपने भूले बिसरे सैनिकों को फिर से याद करें जिन्होंने इस देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप के प्राणों की बलि देने से भी नहीं चुके।
तो फिलहाल चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।